अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा जी, पिछले दिनों मैं और मेरा एक फ्रेंड किसी ऑफिस में गए और जो कि बहुत हाईली डेकोरेटेड था, तो अचानक बैठे बैठे फ्रेंड ने कहा कि यार ये जो डेकोरेशन पीसेज हैं, आर्ट वर्क है, इस पर कौन सा IFRS अप्लाई होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये तो एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है। तो जब उस पर थोड़ी तहकीक की, रिसर्च की, तो पता लगा कि इसकी अपनी एक दुनिया है और बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं इसके लिए कि इनकी यूज़फुल लाइफ क्या है, रेजिडुअल वैल्यूज़ क्या है, इनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है या घट रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है नहीं हो रहा, इनके साथ कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल वैल्यूज़ अटैच हैं या नहीं, या ये इमटीरियल हैं या मटीरियल हैं। तो जब पूरी रिसर्च की तो पता लगा कि इसके टोटल आप इसको 3 क्लासेज में तोड़ सकते हैं। पहली क्लास हिस्टोरिकल आर्टवर्क, फर्स्ट क्लास आर्टवर्क जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड वो होता है जो इनसेपरेबल होता है, जो दीवारों पे फिक्स हुई हुई होती है, जो दीवारें पूरी पूरी बना लेते हैं डेकोरेटेड। और तीसरा वो होता है जो ऑफिस आर्टवर्क जो नॉर्मल हमारे होते हैं। तो फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास आर्टवर्क, ये बहुत एक्सपेंसिव और हाई लेवल का आर्टवर्क होता है। नॉर्मली इसमें हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो कदीम चीज़ों की निशानियाँ होती हैं, और ये एक एक्सपेंसिव होता है जिसमें नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर स्टोरेज इन वैल्यू, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए। जिस तरह हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो दुनिया में कुछ लोग इस तरह के आर्ट वर्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका प्राइमरी मोटिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, स्टोर इन वैल्यू। हाँ, डेकोरेशन भी हो रही होती है, लेकिन डेकोरेशन का मकसद कम होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब सवाल ये, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड होगा? बच्चे ने कहा सर IS 16 इस पे अप्लाई करें। नहीं, IS 16 अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर डेकोरेशन मेजर ऑब्जेक्टिव होता, वो फंक्शन है, फिर इसका मतलब आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर IS 16 अप्लाई होता, तो IS 16 को तो हटा दें। तो किसी ने कहा सर IS 40 इस पे अप्लाई कर दें क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन मैंने फौरन से कहा IS 40 के लिए लैंड एंड बिल्डिंग का होना ज़रूरी है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। तो अब तो हम फंस गए। तो हमने जब IFRS की बुक खोली तो पता चला इससे रिलेटेड IFRS खामोश है। तो आप सब जानते हैं, जहां IFRS खामोश हो, कोई IFRS ने डिस्कशन ना की हो, तो फिर हम IS 8 से रुजू करते हैं। IS 8 कहता है ऐसी हालात में मेक योर ओन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी अगर कोई सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके जैसी ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क से रुजू करें और फ्रेमवर्क के थ्रू सॉल्व कर लें। तो अब जरा गौर से सोचें, इसमें मकसद क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन, तो दिस इज क्लोज टू IS 40। IS 40 में भी कैपिटल एप्रिसिएशन है, और इसका फेयर वैल्यू मॉडल आइडियल है क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉर्मली बढ़ रही होती है, तो वो फेयर वैल्यू चेंज PNL में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंड टाइप इज इनसेपरेबल आर्टवर्क। हमने देखा है कि लोग अपनी वॉल्स को सजाते हैं और उस पर ज़बरदस्त किस्म का वर्क कराते हैं, तो वो नॉर्मली इनसेपरेबल होता है। सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा IS 16 में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होगा। और अगर ये कंडीशन मीट करेगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की कैपिटलाइजेशन की कंडीशन मीट करेगा, अगर आप लोगों को याद हो दो कंडीशंस थी, नंबर 1 इस एक्सपेंडिचर की वजह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हो, और नंबर 2 कॉस्ट लाइवली मेजर हो रही है, तो हम इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। सर इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? नॉर्मल रूल्स यही कहते हैं कि ये अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा, लेकिन मसला ये है कि ये तो जुड़ा हुआ है बिल्डिंग से और बिल्डिंग से सेपरेट हो नहीं सकता, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्डिंग की जो रिमेनिंग लाइफ है उस पे इसको डेप्रिशिएट करना ज़्यादा मुनासिब है। एक और ट्रीटमेंट भी है, अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है, लीज पे ली हुई आपने, तो ऐसी सूरत हाल में रिमेनिंग जो लीज टर्म है उस पे डिवाइड करके इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। थर्ड कैटेगरी इज ऑफिस आर्टवर्क, जो हमारी पेंटिंग्स होती हैं, जो हमारी डेकोरेशन पीसेज होते हैं, वासेज होते हैं, सब नॉर्मली वुडन वर्क कई बार होता है, तो ये सब ऑफिस आर्टवर्क में आता है। हाँ, इसमें कैटेगरी नंबर 1 नहीं होनी चाहिए, यानी जो बहुत महंगे, जो हिस्टोरिकल वाले जो मैंने बताए थे, कल्चरल वाले, वो हटा के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इन चीज़ों का मकसद डेकोरेशन होता है, और डेकोरेशन एक फंक्शन है, तो इस पर नॉर्मल IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के कामों में और ये फंक्शन में यूज़ हो रहा है, राइट? ओके, इस पर दोनों मॉडल्स आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर योर पॉलिसी, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूशन मॉडल, जो आपको समझ में आ रहा है, और इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे ओवर इट्स लाइफ, और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो नॉर्मल हिसाब किताब अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक फैक्टर बहुत ख्याल रखिएगा, कई बार ये कुछ इदारों के लिए इमटीरियल होते हैं, और मटीरियलिटी इदारे टू इदारा वेरी करती है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इमटीरियल है, तो उनकी पॉलिसी होती है कि वो इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। इसी तरह कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं, उनको ये पता होता है कि हम सेम पीरियड में इसको कंज्यूम कर लेंगे, तो वो भी इसको राइट ऑफ कर देते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आई हैं, तो आप इसको लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।